उसमें ज़्यादातर यही कमेंट आया था कि मेरा मल्टीपल अकाउंट है, जैसे कि स्टेट बैंक में, यूनियन बैंक में है, एंड यस बैंक है, कोई भी अदर बैंक है आपका, एक ही सेम नंबर से तीनों बैंक में लिंक है, तो वो हम अपने फ़ोन पे या गूगल पे या अदर ऐप पे कैसे लिंक कर सकते हैं तीनों अकाउंट से हो और बैलेंस चेक कर सकते हैं। तो यही हम आज की वीडियो में बात करेंगे। और वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ऐसी इन्फॉर्मेशन वाली आप तक वीडियो में पहुँचाता रहता हूँ। तो चलिए हम आपको बता देते हैं वो कौन सा ट्रिक है। ट्रिक नहीं है दोस्तों, रियलिटी है। चलिए हम आपको दिखा देते हैं। अभी फ़ोनपे ऐप आपको सबसे पहले ओपन कर लेना है। फ़ोनपे ऐप ओपन करने के बाद कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। जब तक ओपन होता है आप तब तक कमेंट कर दीजिएगा, आपको अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो मैं उसका रिप्लाई एंड आपको सोल्यूशन बताऊँगा। तो जैसे ही फ़ोनपे खोलेंगे तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिलेगा। जैसे ही नेटवर्क थोड़ा स्लो है, वेट कर लीजिएगा इसकी। तो देखिए यहाँ पे खुल गया। अब मैं अपना यहाँ रजिस्टर मोबाइल नंबर वही डालूंगा जो कि मेरा खाता में नंबर लिंक है, तो मैं यहाँ नंबर जल्दी से फिल कर देता हूँ, तो आगे मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ। एक बात और होगा दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, यहाँ जैसे आप प्रोसीड करेंगे तो यहाँ पे आगे अलाउ का मैसेज मांगे, तो उसको अलाउ करने के बाद लॉग इन टू फोन टू लॉग इन, यहाँ पे देखिए लिखा, अगर आपके पास पहले से रजिस्टर मोबाइल नंबर पासवर्ड याद है तो आप यहां पे डाल के लॉगिन कर लेंगे, या तो लॉगिन विथ ओटीपी से, आप दोनों से तरीके से लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपको पासवर्ड याद है तो आप यहां पासवर्ड डाल के लॉगिन कर सकते हैं, या ओटीपी से आप लॉगिन कर सकते हैं। एक बात इसको ध्यान दीजिएगा, देखिए मेरा पासवर्ड ले लिया है, अभी मुझे याद था पासवर्ड अपने फ़ोनपे का, तो यहाँ से अलाउ कर देना है। यहाँ देखिए ऐसे अलाउ, पूरा ऐप को मैनेज कर देना है। तो अभी यहाँ ध्यान से देखना होगा, जैसे कि ऐप में लॉगिन होकर आ चुके हैं। यहाँ पे देखिए बैलेंस, अभी बैंक बैलेंस में जाएंगे तो शायद मेरा ऑलरेडी सेट है। तो मैं स्टेप में बताने जा रहा हूँ, आप उसको ज़रा ध्यान से देखिएगा, मैं कैसे आपको बताता हूँ। यहाँ से आपको नीचे की साइड देखेंगे फ़ोनपे के, तो यहाँ दिखेगा होम, स्टोर, स्विच, माई मनी एंड हिस्ट्री। आपको माई मनी वाले पे क्लिक कर देना है। माई मनी वाले क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको पेमेंट का ऑप्शन दिख रहा होगा, ऊपर से तीन नंबर देखेंगे तो UPI बैंक अकाउंट, उस पर आपको क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपको करना क्या होगा, यहाँ देखिए जैसा मेरा सभी बैंक अकाउंट लिंक है तो इसको कुछ मिनट करनी है, इसको आप ध्यान ना दीजिएगा, मैं आपको स्टेप बता रहा हूँ, आप वैसे ही कर लेंगे। जब आपका नया नंबर रहेगा तो ये सब नहीं शो होगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी रजिस्टर करके रखा हूँ। तो मैं आपको समझाने के लिए जैसे ऐड न्यू बैंक अकाउंट पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे आप चूज़ कर लीजिएगा, अगर आपका जैसे कि स्टेट बैंक में है तो आप यहाँ स्टेट बैंक सर्च कर लीजिएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक नंबर ये हो गया लिंक। देखिए यहाँ पे फैशिंग योर बैंक अकाउंट डिटेल, जैसे मेरा स्टेट बैंक में तीन खाता है तो तीनों खाता यहाँ पे शो हो जाएगा। अभी तो शो होने के बाद आपको मैं स्टेप बता रहा हूँ, आगे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आप कॉरपोरेशन में ऐसे भी ऐड कर सकते हैं एक एक स्टेप करके, अगर स्टेट बैंक में है तो वो तीनों अकाउंट साथ में आ जाएगा आपका। उसको अभी मैं बताता हूँ, जैसे ही फैच कर लेता है, अकाउंट मैच कर लेता है, तो आगे बढ़ता हूँ। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड तीनों पर आप एक एक टाइप कर लीजिएगा, और UPI आईडी भी बन जाएगी, और तीनों का UPI आईडी भी बन जाएगा। शायद स्टेट बैंक का दोस्तों अभी सर्वर डाउन है इसलिए बैंक नहीं कलेक्ट कर पा रहा है। तो अभी हम आपको जैसे दूसरा दिखा देते हैं, यहाँ पे जैसे एक जैसे स्टेट बैंक हो गया ना आपका, यूनियन बैंक का भी हम ऐड करके दिखाते हैं, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ऐसे यूनियन बैंक का आप ऐड करेंगे तो सभी एक 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 बैंक अकाउंट लिंक होता चला जाए। जैसे कि ये देखिए शो हो गया, यहाँ पे देखिए दिखा दिया कि मेरा अकाउंट ऐड सक्सेसफुली। आप यहाँ पे रीसेट UPI पिन कर सकते हैं, हम ऑलरेडी रजिस्टर करके रखे हैं इसीलिए यहाँ पे ऐसा दिखा रहा है। आपको यहाँ पे अगर नया नंबर रहेगा तो आपको यहाँ पे रजिस्टर करना पड़ेगा, ATM का 4-6 अंक, लास्ट वाला 16 अंक का जो होता है, और CVC नंबर एंड एक्सपायरी डेट। तो चलिए अभी हम आपको दिखा देते हैं, यहाँ पे ऐड करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार से शो होगा, यूनियन बैंक, स्टेट बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, कॉरपोरेशन बैंक एंड स्टेट बैंक, स्टेट बैंक, ऐसे ही कुछ शो होगा। उसके बाद आप यहाँ पे आ जाइएगा बैक करके बैलेंस चेक पे, होम पे आके यहाँ पे बैलेंस चेक करेंगे आप। तो यहाँ पे अभी सब सेट आपको देखिए, यहाँ ध्यान से देखिए, देखिए मैं यहाँ पे सेट UPI पिन नहीं किया हूँ, तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ, तो इस पर देखिए क्या मांग रहा है, लास्ट 6 डिजिट एंड महीना, कौन सा महीना एक्सपायरी होने वाला है, और कौन सा ईयर, कौन सा साल में एक्सपायर होगा। तो यहाँ आप डाल के कंटिन्यू कर देंगे, तो यहाँ पर हम महीना एंड ये डाल देते हैं 2022 में एक्सपायर, कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद ऐसे स्टेप है, आप फॉलो कर लीजिएगा। यहाँ पे इंटर OTP फिल करना होगा, OTP आएगा, और यहाँ पे UPI पिन सेट कर लीजिएगा। UPI पिन सेट करने के बाद आपको फिर कंफर्म करना होगा, हम UPI पिन इंटर योर कोड
और यहाँ पे हम डाल देते हैं अपना यूपीआई पिन, एनी वे कुछ भी दोस्तों, जो मैं स्टेप बता रहा हूँ शायद ये रिकॉर्ड ना हो, ब्लैंक दिख रहा होगा क्योंकि इस रिकॉर्डिंग में ये प्राइवेसी के खिलाफ है, इसीलिए ये शो नहीं होता है। स्टेप आप समझ लीजिएगा, आपको यहाँ कंफर्म योर पिन कर देना है तो आपका फिल हो जाएगा, पूरा अकाउंट सक्सेसफुली रजिस्टर हो जाए। तो वीडियो में अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई देता हूँ। तो चलिए वीडियो में बस इतना ही, आप हंसते रहें मुस्कुराते रहें, चलिए अभी वीडियो को करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।